हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साक्षत रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया की बहुत ही स्पेशल सी और हेल्दी सी रेसिपी, जिसका नाम है चावल के फरे। चावल के फरों को हम एकदम पारंपरिक ढंग से बनाएंगे और ये बनेंगे एकदम ऑयल फ्री और हेल्दी, तो ये होते ही हैं। मगर रेसिपी को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में ही है बेल आइकन, इसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चावल की फरे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1.5 कप चावल का आटा, और 1.5 कप चावल के आटे के लिए हम ले लेंगे 1.5 कप पानी, और इसे हम बॉइल करने के लिए रख देंगे। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून नमक और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे, और अब उबलते हुए पानी में हम चावल का आटा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम एकदम लो रखेंगे और मिलाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे लगभग हम 10-15 मिनट तक ऐसे ही ढककर कुक होने देंगे, ताकि स्टीम से ये अच्छे से पक जाए। और अब मैंने ले ली है ये चने की दाल। ये 1/2 कप दाल मैंने 4 घंटे पहले अच्छे से धोकर भीगने के लिए छोड़ दी थी, और ये अच्छे से फूल चुकी है। और अब इस दाल को हम मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे। तो ये मैंने चने की दाल ले ली, और अब इसमें डाल देंगे हम 4-5 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। और इन सबको हम दरदरा दरदरा पीस लेंगे। इसमें पानी हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। और ये देखिए, दाल को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। इसका बहुत ही महीन पेस्ट हमने नहीं तैयार किया है, हल्का सा दरदरा है। और चावल का आटा जो हमने स्टीम में पकने के लिए रख दिया था, उसे अब देख लेते हैं। तो ये अच्छे से कुक हो चुका है, और अब इसे हम एक डोंगे में निकाल लेंगे और इसे हाथों से मसल मसल कर एकदम सॉफ्ट बनाएंगे। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और अब हाथों से हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। इस ट्रिक से डो लगाने पर जो फरे हमारे बनेंगे वो काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। अगर हम ठंडे पानी से आटा गूंद के बना देते हैं तो वो बहुत टाइट बनते हैं और बेलने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो डो हमारा रेडी हो चुका है, इसे हमने अच्छे से मसल कर एकदम सॉफ्ट बना लिया है, और इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं ताकि और अच्छे से फूल जाए। और अब पिसी हुई दाल में हम तब तक मसाले मिला लेंगे। तो इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और 1 पिंच हम हींग डाल देंगे, और थोड़ा सा फ्रेश धनिया कटा हुआ डाल देंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को हमें सबसे लास्ट में मिक्स करना है। इस वीडियो में यूज़ होने वाली सभी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, सारे मसाले जो हैं दाल में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और अब डो भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें से एक हम बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे, और बाकी के आटे को हम फिर से ढककर रख देंगे ताकि ये सूखे ना। और अब इसका हम बॉल बनाकर पेड़ा बना लेंगे। तो बड़ी सी हमने लोई ले ली है, और इसको हम दबा लेंगे, और अब सूखे चावल के आटे में इसे ऐसे लपेट लेंगे, और अब इसे हम बेल लेंगे। तो चकले पे रख के इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसे हमें बहुत पतला नहीं बेलना है।
तो ये देखिए हमने इसे बेल लिया है। इसे हमने बहुत पतला भी नहीं बेला है और ना ही बहुत मोटा है। और अब एक छोटी सी मैंने कटोरी ले ली है, इससे हम छोटे छोटे पीसेस के काट लेंगे। ये देखिए ऐसे छोटी छोटी पूरियाँ हम इसकी कट करके निकाल लेंगे। तो इसमें तीन पूरी हमारी कट कर निकल जाएगी। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम निकाल लेंगे और फिर से हम जो हमारा डो है उसमें मिला लेंगे। और अब इन तीनों पूरियों पे हम थोड़ा थोड़ा दाल का पेस्ट, एक एक चम्मच के करीब में दाल का पेस्ट रख देंगे। और अब इन्हें हल्का हल्का से ऐसे मोड़ के दबा देंगे। तो बस इसे हमने दे दिया फरे की शेप। ऐसे ही सारे फरे को हम शेप दे के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे फरे हमने तैयार कर लिए हैं और अब स्टीम करने की तैयारी करते हैं। तो मैंने पानी खोलने के लिए रख दिया है और ये मैंने ले ली है स्टील की एक छन्नी। इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो इस पर अच्छे से हम ऑयलिंग कर लेंगे और उबलते हुए पानी पर इस छन्नी को हम रख देंगे। और अब हम जो हमने फरे तैयार किए हैं उनको स्टीम होने के लिए इसमें रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। और इसे हम 10 मिनट तक ढककर कुक करेंगे। तो पूरे 10 मिनट तक हमने इसे अच्छे से स्टीम कर लिया है। और ये देखिए फरे हमारे कुक हो चुके हैं और इन्हें हम टोंग की मदद से निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे फरे बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें धनिया की हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखा ना आपने कितना आसान है ये हेल्दी सा नाश्ता तैयार करना। तो जब भी आपका मन करे घर में ऐसे सॉफ्ट से और टेस्टी से चावल के फरे बनाकर तैयार कर सकते हैं।